जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग एन सी एल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को एक बार फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और इसका जो रिटर्न है निगेटिव में दिखने लगा है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या इसमें और ज़्यादा गिरावट आ सकता है या कहीं पर जाकर यह गिरावट ठहरेगा और वहाँ से यू टर्न मार कर फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ उड़ेगा। इसी बात को शॉर्टकट में इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते, शुरू से शुरुआत करते हैं। अभी देखेंगे तकरीबन 0.39 यानी कि 40 पैसा से भी कम पर इसने अपना क्लोजिंग दिया है। एक दिन की मैं बात करूँ तो 5% के गिरावट के साथ पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो 5 दिनों में तकरीबन 5% के आसपास से स्टॉक टूट चुका है। यानी कि इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो हमने देखा था कि एक दिन और एक सप्ताह का जो रिटर्न था वो अभी ग्रीन में था, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस में चलने लगा है। ये सही संकेत नहीं है। एक मंथ के रिटर्न की बात करें तो आपको पता है एक मंथ में तो काफ़ी दिनों से स्टॉक निगेटिव में ही चल रहा था और तकरीबन 2.5% के आसपास से एक मंथ में टूटा और यहाँ पर देखेंगे लेकिन पर्टिकुलर इस लेवल के बाद ये 26 मई का दिन है, 26 मई के बाद देखेंगे तो स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिला और एक मंथ का रिटर्न यहाँ से डाउन ट्रेंड में बदल गया। और पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक तो 25% के आसपास टूटा है, जो कि पहले मैंने बताया था 6 मंथ में लंबी अवधि में तो काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुआ है। और यहाँ पर जो स्टॉक को एक कंसोलिडेशन रेंज में फेस चल रहा था वो देखेंगे तो अब आपको दिखाई देगा कि कंसोलिडेशन रेंज को भी ब्रेक करने के लिए स्टॉक रेडी है, यानी कि यहाँ से प्राइस ब्रेक करके और नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को आसान भाषा में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी के काम और फंडामेंटल को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसमें जो गिरावट चल रहा है कहाँ तक चल सकता है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 1 साल का चार्ट ओपन कर दिया और 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो ये जो आपको पहले इसके पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो बताया था कि ये जो लेवल है 40 पैसा का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि इसमें काफ़ी दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और सामान्यतः किसी कोई स्टॉक जब कंसोलिडेशन में होता है काफ़ी दिनों से तो जब उसे बाहर निकलता है, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट होता है। लेकिन अभी देखेंगे तो इस स्टॉक में क्या हो रहा था कि इसका जो प्राइस है यहाँ से धीरे धीरे देखेंगे तो नीचे आ रहा था और नीचे आते आते ये जो इसके लिए लेवल था 40 पैसा का इसको भी अब देखेंगे तो ब्रेक करके नीचे आ गया और अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको पता है 39 पैसा के आसपास चल रहा है। तो ये जो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है ये कितने नीचे जा सकता है इसको देखने के लिए हमें यहाँ पर इसकी 3 साल का चार्ट का ओपन करना। चलिए मैं 3 साल का चार्ट ओपन कर देता हूँ और 3 साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये जो लेवल है इस कंपनी का ये लेवल ये तकरीबन 25 पैसे के आसपास का लेवल है, यानी कि इसका प्राइस अब आ सकता है 25 पैसे के आसपास। तो अब ध्यान से समझिए आपको करना क्या है कि यदि आप अपना प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है अभी लेकर निकलना चाहते हैं तो आराम से 39 पैसे के आसपास चल रहा है यहाँ पर निकल सकते हैं, वरना इसका प्राइस जब 25 पैसे के आसपास तक आ जाएगा तो 25 पैसा पर और ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। दूसरी बात, ये बहुत प्रॉब्लम संभावना है कि 25 पैसा के आसपास प्राइस आने के बाद यहाँ से प्राइस जब रिवर्स मार के प्राइस ऊपर उठेगा तो तक कम से कम 50 पैसा तक जरूर आएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। यदि आप इसमें समय नहीं देना चाहते तो बाहर निकल सकते हैं और अपने आपका जो इसमें कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बाहर निकल सकते हैं। रिस्क लेने की ज़्यादा जरूरत स्टॉक में अभी फिलहाल नहीं है। तो जो लोग रिस्क के दीवाने हैं, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वही इसमें बने रहेंगे, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो इससे बाहर हो सकते हैं। सेल रिसर्च के काम के बारे में आपको पता है कि कंपनी की NBFC कंपनी है और फंडामेंटल की बात करें तो तकरीबन जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया है कि ये 41 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। शेयर प्राइस बुक वैल्यू से भी कम हो गया जो कि ज़्यादा चिंता की बात है और जो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और ROE है और ROCE देखेंगे तो ये ठीक है, 1% 1.5% के आसपास है तो ठीक है, माइनस में नहीं है, कम से कम इस बात की सुकून है। हालांकि कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें देखेंगे तो इसका जो प्रॉफिट और सेल्स ये कम होते हुए दिखाई दिया है। मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 1.2 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा था, उसके पिछले क्वार्टर में भी इस क्वार्टर से ज़्यादा था। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च क्वार्टर में देखेंगे सिर्फ 42 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 72 लाख के आसपास हुआ था और उसके हालांकि Q2 के मुकाबले Q4 का जो प्रॉफिट अभी भी ज़्यादा है, लेकिन Q3 मुकाबले Q4 का जो नंबर आया है उसमें नेट प्रॉफिट कम होते हुए दिखा है और इसी वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ है। नेट प्रॉफिट कम इसलिए भी हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इस कंपनी का जो डेप्ट है आपको डेप्ट बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो अब देखिए एनसीएल रिसर्च का फंडामेंटल उतना भी बुरा नहीं है, हालांकि फंडामेंटल अभी इस कंपनी का जो है मजबूत होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी थोड़ी सी चिंता की बात इस स्टॉक में बनी हुई है। तो जो बातें मैंने आपको बताई कि आप निकलना चाहते हो तो निकल सकते हैं, रिस्क लेना चाहते हो तो उसमें बने रह सकते हैं, बाकी जो भी कीजिएगा अपने मन और मर्जी से कीजिएगा, अपने एनालिसिस के बदौलत कीजिएगा, मेरे कहने पर कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ एनसीएल रिसर्च के बारे में जो बातें मैंने बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पेमेंट स्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, क्योंकि उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, जो रुपये भी आप कमाते हैं ये 2, 4, 5, 10, 2000 वो सब आपके हो जाते हैं, उसमें कोई चार्जेस आपको किसी को देने नहीं पड़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।